गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक युवक घुसने की कोशिश करता रहा और इस दौरान धार्मिक नारे भी लगाए। इस युवक ने अंदर घुसने की कोशिश करने के दौरान सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में दो सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमलावर का नाम अब्दुल मुर्तजा अब्बासी है, जो गोरखपुर के सिविल लाइन्स में रहने वाले मुनीर अहमद का बेटा है। आरोपी IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी किया हुआ है। वहीं आरोपी मुर्तजा के परिवार के लोगों का कहना है कि ये मानसिक रूप से बीमार है, मगर धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर के अंदर तक घुसने और PAC के जवान से राइफल छीनने की कोशिश के दौरान इसने दो सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया है। इस पूरे मामले में टेरर एंगल से भी जांच कराई जाने का निर्णय लिया गया है और UP सरकार ने हमले को UP ATS को जांच के लिए सौंप दिया है। कोई अचानक आदमी बड़ा सा हसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं उसे पटक दिया उठा के, उसमें दूसरा पुलिस वाला आया उस पर भी हमला किया, उतने में पूरी फोर्स आ गई। और क्यों मार रहा था वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर, अचानक हसुए से देख रही थी मेरे सामने का आंखों देखा है सर। कितने घंटे पहले हुआ ये? मुश्किल से 40-50 मिनट हो रहा है, इसी के अंदर के बात है ये। कैसा था वो? वो कम से कम काला सा था और कोई साफ सुथरा नहीं था, थोड़े गंदे में ही था, ना ज्यादा गंदगी में था ना ज्यादा साफ सुथरा था वो। और पता चला क्यों मार रहा था ऐसे? नहीं सर, इसका अभी पता नहीं चला, वो अचानक हमला किया पुलिस वाले पर। पुलिस वाले जवानों को मार रहा था? हाँ, पुलिस वाले पर ही हमला किया, तुरंत उठा के पटका और तुरंत मारने भी जाए तो उतना दूसरा पुलिस वाला किया, उसे पर हमला किया है ये। और उतने पुलिस वाले सर 3-4 तो घायल जरूर होंगे, उतना में मैं अपनी जान बचा के खुद ATM के अंदर छिपी थी सर, उतने बहुत सी फोर्स आई, किसी का मान का नहीं था वो। ऐसे PAC वाले सब कर बैठे थे, वो अकस्मात आ गया उधर से, जब आया तो ऐसे गमछी में लपेटा था, कुछ गमछी में लपेटे था, उसमें से निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई, तुरंत वहाँ से कावल उकल बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। वो बाकी दोनों हाथ से पकड़ लिए, लेकिन वहाँ से पकड़ आए थे, यहाँ पे एक साइकिल था, साइकिल फंस गए, गिर गए वहाँ पर, गिरने बाद वो कावल बाकी से लगा मारने उनको। क्यों मारा, क्या वजह थी सर? वजह तो हमको भी नहीं मालूम है, कैसे मारा, पागल है कि क्या है, कैसे है सर? यहाँ तक अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि इसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है, जो सिविल लाइन्स गोरखपुर का रहने वाला है, और जो हमारे दो आरक्षी इंजर्ड हैं उनका नाम है गोपाल गौर और अनिल पासवान, उन दोनों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जो मंदिर का ही अस्पताल है वहाँ उसका प्राथमिक इलाज हुआ और तुरंत इलाज मिलने के कारण से उनको लाभ मिला है और अब उनको BRD शिफ्ट कर दिया गया है। इसे पूरे प्रकरण को गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना के दौरान ये धार्मिक नारे भी ले रहा था, इस प्रकरण से कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग टेरर एंगल। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है, इसमें हम लोग ने ATS दस्ता और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और ज्वाइंट टीम्स जिला पुलिस की, ATS की और इंटेलिजेंस की इसकी छानबीन करेगी और फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर लैपटॉप भी मिला है? और देखिए अभी तक जो बरामदगी हुई है इसमें फोन और एक लैपटॉप मिला है, और अभी तक के प्राथमिक छानबीन से पता चला है कि IIT पवई से ये इंजीनियरिंग की थी, 2015 में ग्रेजुएट हुआ था, तो काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है, ये ऐसी स्थिति में ये चीज़ क्यों हुई, इस चीज़ को गहराई से छानबीन की जाएगी। टिकट भी मिला इसके बाद? टिकट और अदर चीज़ मिली है, जो कि हम अभी आपको और फर्दर डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि एक गंभीर मसला है, एक गंभीर इंस्टीट्यूशन पे इसने हमला किया है और हम लोग कठोरतम कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पे करेंगे। मंदिर सुरक्षा पुख्ता है, उसमें कोई कमी नहीं है और अच्छा रिस्पांस किया है वहाँ के लोगों में, उसमें कोई चूक नहीं हुई है और उसी कारण ये पकड़ा गया।